हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैटनीज ब्लॉग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, क्योंकि आज मुझे कोल्ड हुआ है, आपको शायद मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। और आज मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। ये कुछ नया होने वाला है। नया क्या होने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू, यानी कि सौरभ जोशी वर्सेस बाबू भैया, जो कि उत्तराखंड के ही ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, शायद आप लोगों ने देखते भी होंगे। और सौरभ जोशी को तो आई थिंक सभी जानते हैं। तो आज देखते हैं कि किसको ज़्यादा वोट करते हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ पार्क में, तो पहले तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि कौन किसको ज़्यादा वोट देगा, बाबू भैया को कि सौरभ जोशी को। बाबू भैया UK07 राइडर। चलिए आइए, अब हम आ गए पार्क के अंदर। तो पहले ढूंढते हैं कि हम किससे पूछे। चलिए आइए देखते हैं। मुझे लगता है शायद ये जो हमारे पीछे खड़े हैं इनसे पूछ लेते हैं। चलो आओ। हाय। हेलो, आपका नाम? ओम। एक्चुअली हम एक व्लॉग शूट कर रहे हैं बाबू भैया वर्सेस सौरभ जोशी। तो आपको बताना है कि आप सबसे ज्यादा किसके व्लॉग देखना पसंद करते हैं? बाबू भैया। बाबू भैया पसंद है। तो गाइज इनको बाबू भैया पसंद है। चलिए अब पूछते हैं किसी और से। आइए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन। मुझे यहाँ पर दो और बॉयज दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछो कि नहीं पूछो। पूछिए। आप एक्सपीरियंस में लोग का ब्लॉग शूट कर रहे हैं सौरभ जैसे वैसे बाबू भैया, तो आप लोग ब्लॉग शूट क्यों? आप मुझे बता सकते हैं किसका ब्लॉग बाबू भैया का? तो फ्रेंड्स ये भी बाबू भैया, दो वोट फॉर बाबू भैया। हाय, आपका नाम? आप ब्लॉग देखते हैं? आपको किसके ब्लॉग्स पसंद है? ओ माय गॉड, बाबू भैया 3 वोट्स। तो अभी तक सौरभ जोशी के लिए किसी का भी वोट नहीं आया, 3 वोट्स फॉर बाबू भैया। तो चलिए दोस्तों और पता करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे बाबू भैया के 3 वोट्स हैं और सौरभ जोशी का अभी 0 है। तो चलिए अभी पता करते हैं। यहाँ पे वैसे एक बच्चा खेल रहा है, देखते हैं वो देखता है कि नहीं। हेलो बेबी। हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आप लोग देखते हो? हाँ। अच्छा, तो आपको सौरभ जोशी और बाबू भैया में कौन पसंद है? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी, देखो भाई सौरभ जोशी के लिए 1 वोट मिल चुका है। अभी मैंने बोला था कि 3 वोट और सौरभ जोशी के लिए 0, तो क्योंकि उसमें उसका भाई है ना छोटा पीयूष, शायद इस वजह से आप देखते हो, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट किससे पूछा जाए, कोई हमें मिलता है कि नहीं। चलो आओ। सो फ्रेंड्स, अब उधर से हम इधर आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे काफी सारे लोग दिख रहे हैं, वैसे एक उधर फोन चलाते हुए देखते हैं। तो उनसे पूछते हैं चलिए किसके व्लॉग वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आइए। हेलो, आपका नाम? अरुण। आप ब्लॉग्स देखते हो? जी मैम। एक्चुअली हम एक वीडियो बना रहे हैं सौरभ जोशी वर्सेस बाबू भैया, तो आपको कौन पसंद है? UK07 भैया। मतलब बाबू भैया। जी मैम। तो दोस्तों सब के सब बाबू भैया, सौरभ जोशी के लिए बस 1 वोट। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अरुण। अरुण, थैंक यू अरुण। तो दोस्तों आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो है वो बाबू भैया के लिए। सौरभ जोशी के लिए एक बच्चे ने बताया, क्योंकि बच्चों से अट्रैक्ट होते हैं, उसमें पीयूष है शायद इस वजह से। तो चलिए दोस्तों अब हम और किसी से भी पूछते हैं। चलिए आइए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो वोट लिया है वो है बाबू भैया के लिए। वैसे उधर भी मुझे झूलता हुए बहुत सारे वॉइस दिख रहे हैं, देख सकते हो आप। तो चलिए क्यों ना उनसे पूछा जाए। आइए मेरे साथ साथ। पता चला मेरी डांट पड़ गई, बट फिंगर क्रोसे ताकि मुझे कोई कुछ बोले ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? ठीक हूं मैं। आपका नाम? अजय। आप सब ब्लॉग्स देखते हो? यस मैं। तो हम ना एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं सौरभ जोशी वर्सेस बाबू भैया। तो आप सबको बाबू भैया पसंद है कि सौरभ जोशी? बाबू। आपको? बाबू। आपको? ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सब बाबू भैया के लिए ही है, एंड सौरभ जोशी के लिए बस 1 ही वोट आया है अभी तक। या तो बाबू भैया ज्यादा ही हैं, फेमस हो गए, उत्तराखंड में ही बना रही हूँ ना तो वही फैंस होंगे। क्यों गाइस, थैंक यू फॉर। सो फ्रेंड्स, एक और हमारा फ्रेंड बैठा है, उससे भी पूछ लेते हैं। हेलो, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पर? क्या नाम है आपका? समीर। समीर, आप ब्लॉग्स देखते हो? जी। तो आप मुझे बताइएगा, आपको सौरभ जोशी पसंद है कि बाबू भैया? बाबू भैया। आप भी बाबू भैया को पसंद करते हो?
देखिए फ्रेंड्स, ये भी बाबू भैया को पसंद करते हैं। आपका नाम? समीर। थैंक यू समीर। तो दोस्तों, अभी तक सौरभ जोशी के लिए एक या दो ही वोट आए हैं और बाकी सब बाबू भैया को पसंद कर रहे हैं। मुझे भी करो। चलिए आइए। सो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन जीता है। जीते हमारे बाबू भैया। एंड आपको ये बताना है कि किसको मतलब बाबू भैया को कितने वोट से जिताया गया और उनको कितने वोट मिले हैं, ये जरूर कमेंट में करके बताना। मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। एंड मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आंचल जाटनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।